Now we will do its words meaning, word meanings and some back exercise. अगर आपने लेसन अच्छे से समझा होगा तो आपको बैक एक्सरसाइज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं. विजार्ड, अ मैन विद मैजिक पावर्स. विजार्ड किसको बोलते हैं? वो आदमी जिसके पास में जादुई ताकत होती है. ठीक है, टेरिबली इन अ वे विच इज वेरी अनप्लेजेंट एंड मेक्स यू अफ्रेड. टेरिबली लैंड काफी जोर से हिली थी ना, तो उसको बोलते हैं इन अ वे विच इज वेरी अनप्लेजेंट. वो वे जिसमें बहुत ही अनप्लेजेंट हो और जिससे आपको डर लगे उसको टेरिबली बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड मीन्स वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित हो जाना. ओके, इनॉर्मस, एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज. इनॉर्मस का मतलब होता है काफी बड़ा. ठीक है, काफी बड़ा इनॉर्मस केव हमने पढ़ा था ना लेसन में. तो इस तरह से आपको ये वर्ड मीनिंग आपको देखना और जो सिलेबस है उसमें ढूंढ कर आपको इन वर्ड मीनिंग्स को सॉल्व करना रहेगा. ठीक है, ये सारे वर्ड मीनिंग नहीं दिए होंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, इनमें से जो वर्ड मीनिंग आपको सिलेबस में दिया है वो आपको याद करना है, उसका मीनिंग याद करना है. ठीक है, इसमें से आपको सिलेबस में ढूंढना है कि इसमें से कौन सा वर्ड अगर मैंने सिलेबस में दिया होगा तो. ठीक है, दिया है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो उसको रहने देंगे. ओके, नाउ वी डू इट्स एमसीक्यूज. टेक द करेक्ट ऑप्शन. विजार्ड टोल्ड अलादीन दैट ही वाज हिज. विजार्ड ने अलादीन को बताया था कि वो कौन है. उसका मदर्स मम्मी, मदर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर और फादर्स अंकल. मम्मी का भाई, पापा का भाई और फादर का अंकल. क्या बताया था उसने? फादर्स ब्रदर. ठीक है, ये बताया था ना उसने. सेकेंड, द विकेट विजार्ड गॉट एंग्री एंड सेड मैजिक वर्ड्स टू. विकेट विजार्ड एंग्री हुआ और उसने मैजिक वर्ड्स किसको बोले थे? शट द केव, केव को बंद करने के लिए. डिस्ट्रॉय द केव, केव को नष्ट करने के लिए. और अलादीन को मारने के लिए उसने शट द केव, केव को बंद करने के लिए उसने मैजिक वर्ड्स बोले थे. अभी हमने लेसन में यही पढ़ा है. ठीक है, द जीनी ऑफ द लैम्प टुक अलादीन आउट ऑफ द. जीनी जो थी लैम्प की, तो उसने अलादीन को कहाँ से बाहर निकाला था? हाउस वैली ऑफ केव, केव से बाहर निकाला था. सो दिस इज राइट आंसर. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. Suitable words. Genie, ring, treasure, magic powder. Words are genie, ring. Ring means जो brass ring हमने पढ़ा था अभी lesson में. Ring means कोई भी circle, circular shape. Okay. Treasure, खजाना. Magic powder, magical powder. Okay. First है, the wizard said that he must take out the dash which he had hidden in a secret place. Wizard ने कहा, क्या कहा था? कि he must take out the treasure, कि उसको खजाना लाना है. Which he had hidden in a secret place, जो कि उसने एक secret place में छुपाया है, वो उसको खजाना लाना है. ठीक है, आप कभी भी fill in the blanks करते हैं ना students, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी कि आपको जब word आप लिख रहे हैं ना उसमें, तो आप उसका meaning रख के देखिए कि वो meaning correct है कि नहीं है वहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह से आप fill in the blank को solve करा करिए. Second, the wizard lights a fire. Wizard एक light जलाता है, हमने पढ़ा था cave में, and throws a dash in it. कहा क्या फेंका था वहाँ? फेंका था उसने magic powder फेंका था. ठीक है, एंड थ्रोज अ मैजिक पाउडर इन इट. ओके, थर्ड, देयर इज अ बिग स्क्वायर स्टोन विद अ राउंड ब्रास डैश ऑन इट. बिग स्क्वायर स्टोन था विद अ राउंड ब्रास रिंग ऑन इट. करेक्ट वर्ड इज रिंग. ओके, नेक्स्ट, अलादीन बिकेम वेरी रिच विद द हेल्प ऑफ द जीनी. अलादीन किसकी हेल्प से रिच हो गया था? जीनी के हेल्प से. अब आप यहाँ पर कोई भी दूसरे वर्ड रख के देखिएगा, कोई भी करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट, अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं. आंसर दीज क्वेश्चन. व्हाई डिड अलादीन एंड द विजार्ड गो टू द नैरो वैली. अलादीन और जो जादूगर था वो नैरो वैली में क्यों गए थे? अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द नैरो वैली टू गेट द ट्रेजर. वो ट्रेजर लेने के लिए वैली में गए थे, है ना? यही है ना, अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द नैरो वैली टू गेट द ट्रेजर. ठीक है, और इन द सर्च ऑफ द ट्रेजर और टू गेट द ट्रेजर. ओके, Not in the search of the treasure, right? To get the treasure. Treasure लेने के लिए वहां पर गए थे. Second question, what did Wicked Wizard do in anger? Wicked Wizard ने anger गुस्से में क्या किया था? The Wicked Wizard shut Aladdin up in the cave. Wicked Wizard ने गुस्से में Aladdin को cave में बंद कर दिया था. Aladdin का एक capital लिखेंगे because this is a proper noun. Okay, कहीं पर भी proper noun आएगा sentence के बीच में भी, तो हम उसका first letter कैसा लिखते हैं? Capital लिखते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड जीनी हेल्प अलादीन. जीनी ने अलादीन की हेल्प कैसे करी थी? जीनी सेव्ड हिज लाइफ एंड मेड हिम रिच. क्या किया था उसने? उसको उसकी एक तो उसकी लाइफ बचाई थी और उसको अमीर बना दिया था. ओके, ये लेसन मैं यहीं तक एग्जाम में देने वाली हूँ. ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस आपको जो मिला है उसमें आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कोई वर्ड मीनिंग है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, एमसीक्यू है या क्वेश्चन एंड आंसर है, कोई भी इसमें से अगर इस लेसन से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको उसको सॉल्व करना है. ठीक है, याद करना है और सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तो आपका सिलेबस में आप रिवीजन चल रहा है, एग्जाम में आपको बिना देखे लिखना होगा, इसलिए आप अच्छे से इसको याद करके सिलेबस में उसका आंसर लिखिएगा. ठीक है,
अच्छे से इस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.